बसमिलीम अलैक्म स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़िया से होंगे आज हम करेंगे क्लास एट मैथ एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री यूनिट नंबर वन ऑपरेशन ऑन सेट का क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में वो हमें कहता है क्वेश्चन नंबर थ्री में वो हमें कह रहा है फॉर द सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लाज थ्रू वन डाइग्राम हमने इन लाश को उनको प्रूफ करके देना है वन डायग्राम के थ्रू और ये हमारे पास एक तो ए की वैल्यू ये है बी की ये है सी की ये है दूसरी तरफ ए की ये है बी की ये और सी की ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या आता है तो इसको कबल इसको करने से कबल आप इसका क्वेश्चन नंबर वन जाके सीख लें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा ये हमें हम पहले कर चुके हैं और क्वेश्चन फोर और रिव्यू भी हम कर चुके हैं आज बस हमारा ये रह गया तो इसे आज हम करते हैं तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में वो हमें कहता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में वो हमें कहता है ए यूनियन यूनियन बी यूनियन सी बी यूनियन सी हमारे पास ब्रैकेट में है तो हमने पहले बी यूनियन सी लेना है फिर उसका ए के साथ यूनियन लेना है वो बराबर होना चाहिए ए यूनियन बी का यूनियन लेना पहले वो उसका यूनियन सी के साथ लेना है तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो, ऊपर ऊपर मैंने सारा कुछ लिख दिया है स्टेटमेंट वगैरह लिख दी है ए की वैल्यू ये है बी की ये एंड सी की ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करना है तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी ब्रैकड में यूनियन सी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वो हमें क्या लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी पहले हम सिंपल फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो पहले बी यूनियन सी ब्रैकेट में है तो पहले बी यूनियन सी को सॉल्व कर लेंगे बी यूनियन सी हमारे पास आ जाएगा बी की वैल्यू पुट की फिर सी की वैल्यू पुट की बी की वैल्यू थी हमारे पास वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन सी की वैल्यू थी थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन इन दोनों का जब यूनियन लिया तो हमारे पास ये जॉब आ गया बी यूनियन सी आ गया बी यूनियन सी का यूनियन ए के साथ ए के साथ लेना है ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास क्या आएगा पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे फिर बी यूनियन सी का जो जवाब आया वो पुट कर देंगे ये हमारे पास बी यूनियन सी का जवाब आया था ये हमने पुट कर दिया तो अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे आपस में हमारे पास ये जवाब आ जाएगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास आ गया है वन डाइग्राम ड्रा कर लेंगे अब प्रीवियस वीडियो में हम टू टू करते आए थे टू uh, सेट्स का वन डाइग्राम लेते आए थे इस बार थ्री है तो पहले ए ये है हमारे पास बी ये है और सी ऐसे करना है कि आधा पार्ट उसका बी में आए और आधा ए में आए अब ए और सी में जो कॉमन है वो यहाँ लिखेंगे ए और सी में हमारे पास कॉमन है सिक्स और ट्वेल्व Uh, ये ए uh, और सी में सिक्स और ट्वेल्व कॉमन है वो आप बुक पे देख सकते हैं uh, ये देखें ए में ये देखें सिक्स और ट्वेल्व और सी में ये ट्वेल्व और ये सिक्स ठीक है तो ए और सी में सिक्स ट्वेल्व कॉमन है वो हमने लिख दिए हैं बी सी में थ्री नाइन कॉमन है uh, ये देखें बी में ये थ्री नाइन सी में ये 3, थ्री और ये नाइन थ्री नाइन भी लिख दिए हैं तो अब बाकी कॉमनस को छोड़ के बाकी हम लिख देंगे तो एक 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 के जो कॉमन थे हमारे पास वो थे सिक्स और ट्वेल्थ सिक्स ट्वेल्थ को छोड़ के हमारे पास बचती हैं टू फोर सिक्स टू फोर एट एन टू फोर एट एन आ गया हमारे पास और इसके फिफ्टीन आता है सिक्स भी आ गया ट्वेल्व भी नाइन भी थ्री भी देखें तो हमारे पास फिफ्टीन बचता है थ्री सिक्स नाइन और ट्वेल्व आ गया फिफ्टीन सी का बचता है और बी का हमारे पास कौन सा आया था थ्री और नाइन आ गया था थ्री और नाइन को निकाल के हमारे पास आता है फाइव सेवन और इलेवन फ़ाइव सेवन और इलेवन और साथ वन भी है तो वन भी आ जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी ठीक है तो शेड हम पूरे को कर देंगे क्योंकि यूनियन में पूरे को शेड करते हैं और ये देखें शेड ये जहाँ से आपने जवाब को देख के करना होता है तो जवाब है आपके पास ये देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व एन फिफ्टीन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री ठीक है वन टू थ्री ऐसे आपने यहाँ से वन टू थ्री फोर नन ये वन भी हो गया टू भी हो गया थ्री भी हो गया फोर भी हो गया फाइव सिक्स सेवन एंड नाइन टीन इलेवन टवेल्व है तो ये देखिए फाइव भी हो गया सिक्स भी हो गया सेवन जो है ये भी हो गया एट भी हो गया ये एट आ गया ये नाइन आ गया ये टेन आ गया ये इलेवन आ गया और ये हमारे पास आ गया फिफ्टीन तो हमने जो आपको शेड करना होता है जो आपको हमने ये पेंसिल से शेड कर दिए मैंने पूरे को शेड किया हुआ है तो यहाँ पे हमारा राइट लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन बी यूनियन सी निकल आई है अब राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी तो जो आपको शेड कर दिया है अब नेक्स्ट पेज की तरफ चल जाते हैं हम राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी तो ए यूनियन बी पहले सोल्व कर लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो यूनियन बी हमारे पास पहले ए की वैल्यू पुट कर दी फिर बी की वैल्यू पुट कर दी दरम्यान में यूनियन आ गया तो ए यूनियन बी हमारे पास आ गया है वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एड नाइनटीन इलेवन टवेल्व जब इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा एक सेट में तो हमारे पास ये आ गया अब हमने इसका यूनियन लेना है सी के साथ A, यूनियन बी का जो जवाब आया उसका यूनियन सी के साथ तो पहले ए बी यूनियन बी की वैल्यू पुट कर दी यूनियन सी के साथ लिया तो हमारे पास आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एड नाइनटीन इलेवन टवेल्व और फिफ्टीन वन डाग्राम ड्रॉ कर ली बॉक्स बना लिया ए की ए बी ए का सर्कल सी का और बी का तो ए और सी में कॉमन सिक्स और ट्वेल्व है बी और सी में कॉमन थ्री और नाइन है टू फोर सिक्स ए ट इसके बाकी बचे वन फाइव सेवन एलेवन इसके बचे और फिफ्टीन यहाँ से बचा ठीक है ये मैं आपको सेम वैसे ही वाइट डेग्राम है जो हमसे ये यह हमने यहाँ पे बनाई थी तो इस तरह से हमारा प्रूव हो गया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है तो हमारा इस तरह से क्लियर हो गया कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अब हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वो हमारे पास कहता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में के ये देखें एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में कहता है ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी वो बराबर होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना है वो सी के बराबर और यहाँ पे ए बराबर होना चाहिए बी इंटरसेक्शन सी के अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं हम ठीक है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा हमने लिख लिया ये होता है लेफ्ट हैंड साइड लिख ली पहले बी इंटरसेक्शन सी को सोल्व करते हैं बी और सी का आपस में इंटरसेक्शन लिया थ्री नाइन आ गया थ्री नाइन यहाँ भी है और थ्री नाइन हमारे पास यहाँ भी है तो बी और सी का इंटरसेक्शन आ गया अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है तो ए के वैल्यू पुट की बी और सी का जो जवाब आया था वो हमने पुट कर दिया ठीक है और फिर यहाँ पे अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम टी सेट आ जाएगा क्योंकि देखें थ्री नाइन यहाँ पर कहीं भी नहीं मौजूद और यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो यहाँ पर मौजूद हो तो खाली सेट हमारा सेट आ जाएगा एम सेट जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट बना लिया वेंडाग्राम के लिए ए बी और सी और फाइव और ट्वेल्व यहाँ पे कॉमन है और थ्री और नाइन यहाँ कॉमन है वन थ्री फाइव वन फाइव सेवन एलेवन इसके बचे हैं टू फोर एट टेन इसके बचे हैं फिफ्टीन इसका बचा है ठीक है और शेड हम किसे करेंगे जवाब हमारे पास एम्प्टी सेट आया है तो शेड हम करेंगे किसी को भी नहीं क्योंकि जॉब ही जब हमारे पास एम्प्टी सेट आया है तो शेड हम कैसे कर सकते हैं ठीक है तो फिगर वन हमारे पास आ गई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आई थी अब राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सेक्शन सी ए इंटर बी ले लेंगे पहले ए की वैल्यू पुट की बी की वैल्यू पुट की इन दोनों का जब आपस में इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास जवाब एम टी सेट आ गया क्योंकि इन दोनों में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो एक दूसरे में कॉमन हो कॉमन कोई नहीं है तो एम टी सेट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सेक्शन सी के साथ लेना है जब हम एम टी सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है कि एम टी सेट ही जवाब आएगा वेंडाग्रम डो दो कर ली यूनिवर्स सेट का ऊपर साइन डाल दिया ए बी एंड सी तीन सेटके से बना लिए ए और सी में कॉमन हमारे पास सिक्स एंड ट्वेल्व है आ, देखें ए और सी में कॉमन हमारे पास कौन से हैं की वैल्यू हूँ इसने ये देखें ए और सिक्स और ट्वेल्व यहाँ भी है और सी में भी सिक्स और ट्वेल्व हमारे पास है ए और सी में हमारे पास सिक्स और ट्वेल्व बी और सी में हमारे पास थ्री एंड नाइन मैं आपको पहले भी समझाया थ्री एंड नाइन यहाँ भी है थ्री एंड नाइन यहाँ भी है और अब ट्वेल्व सिक्स थ्री नाइन के अलावा हमारे पास फिफ्टीन बचता है सी का ट्वेल्व नाइन सिक्स थ्री के अलावा फिफ्टीन बचता है वो यहाँ लिख दिया ए के बचते हैं टू फोर एट टेन और बी का बचता है हमारे पास वन फाइव सेवन एंड इलेवन ठीक है वन फाइव सेवन इलेवन हमारे पास इसका बच गया तो अब फिगर टू हमारे पास ये आ गई है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये आप देख सकते हैं कम्प्लीटली हमारे पास सेम है इसके शेड हम किसी को नहीं करेंगे क्योंकि जब हमारे पास आम तरीके से जो अभी खाली सेट आया है तो हम शेड नहीं करेंगे हमारा ये भी प्रूव हो गया है अब अगला चलते हैं अगला हमारे पास है ये देखें इस तरह से एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी ये भी हो गया है अब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सर्ट्स ये देख लेते हैं ये हमारे पास क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में हमें ये कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी पहले हमने ए और सी का आपस में इंटरसेक्शन लेना है जो जवाब आएगा उसका हमने यूनियन लेना है सी के साथ जो कि बराबर होना चाहिए अगर हम लें ए और यू ए और बी का यूनियन और ए और सी का यूनियन उनका जो जवाब है उसको हम इसका जो जवाब है ए और सी का और ए और बी के यूनियन का जो जवाब है उसका उन दोनों जवाबों का आपस में इंटरसेक्शन लेना है वो बराबर होना चाहिए बी और सी के इंटरसेक्शन का जो जवाब आए उसका यू के साथ यूनियन लेने के ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉफ यूनियन मैंने यहाँ लिख दिया है लेफ्ट हैंड से पहले लेफ्ट हैंड साइड पहले सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ जाएगी तो पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है ब्रैकेट में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ जाएगा बी की वैल्यू पुट की सी की वैल्यू पुट की दरम्या में इंटरसेक्शन का साइन लगाया हमारे पास थ्री और नाइन दोनों में कॉमन है थ्री और नाइन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ जाएगा अब पहले बी और सी का जो आप थ्री और नाइन आए थे थ्री और नाइन यहाँ पे आ गया हमारे पास और ए की वैल्यू हमारे पास है टू फोर सिक्स एंड टेन ट्वेल्व इन दोनों में कॉमन है थ्री नाइन यहाँ मौजूद है यहाँ कहीं ठीक है सॉरी यूनियन लेना है इसका तो यूनियन में दोनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे तो टू थ्री फोर सिक्स एट नाइन एंड ट्वेल्व हमारे पास यहाँ पे इसके यूनियन का जवाब आ जाएगा यूनिवर्सल सेट हमने वाग्राम के लिए ड्रा कर लिया है ए बी एंड सी थ्री हमने सर्कल्स बना लिए हैं ट्वेल्व और सिक्स ए और सी में कॉमन है बी और सी में थ्री और नाइन कॉमन है बी की जो बाकी वैल्यूज बचती हैं वो है वन फाइव सेवन एंड इलेवन ए की जो बाकी वैल्यू बचती हैं वो है हमारे पास टू फोर एट एंड टेन और सी की फिफ्टीन वही स्टार्ट वाले चलता आ रहा है सेम वही चलता आ रहा है जो मैं आपको स्टार्ट में समझाया सारा कुछ वही है क्योंकि वैल्यूज़ ही जब वही हैं ठीक है बस शेड करने को आपने ध्यान रखना है कि शेड आपने कहाँ पे करना है यहाँ पे आम तरीके से आपके पास जॉब आया था टू थ्री फोर सिक्स एड पहले टू देख लें कहाँ है टू यहाँ है ये यह टू आ गया हमारे पास थ्री कहाँ है थ्री यहाँ है मतलब थ्री वाला खाना भी शेड होगा फोर कहाँ है फोर यहाँ है टू और फोर तो हो गया ठीक है उसके बाद थ्री भी यहाँ से हो गया हमारे पास अब यहाँ क्या है सिक्स एट नाइन टेन सिक्स ये है सिक्स वाला भी होगा नाइन उसके बाद एट उसके बाद टेन ट्वेल्व टेन टवेल्व और उसके बाद बस ख़त्म हो गया तो नाइन थ्री सिक्स ट्वेल्व टू फोर एट टेन ये सारी वैल्यूज हमारी ऊपर जवाब में मौजूद हैं तो हम ये थ्री और नाइन जो बी और सी में कॉमन है इसे शेड करेंगे ठीक है ये शेड कर दिया हुआ है मैंने ये आप देख सकते हैं ठीक है उसके बाद ए और सी में जो कॉमन है उनको शेड करेंगे और ए के जो बाकी बचते हैं उनको शेड करेंगे ये एक सर्कल और ये दरमियान में ये सर्कल इसे हम शेड करेंगे ये फिगर वन का जवाब आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का अब फिगर टू है मतलब राइट हैंड साइड जो है हमारे पास है ए यूनियन बी उसका इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ तो पहले ए यूनियन बी ले लेंगे ए की वैल्यू पुट की बी की वैल्यू पुट की जब इन दोनों का आपस में यूनियन लिया तो ये जवाब आ गया अब ए यूनियन सी ले लेंगे और a की वैल्यू पुट की c की वैल्यू पुट की जब इनका कंबाइन करके लिखा तो हमारे पास ये जवाब आ गया a यूनियन c भी आ गया a यूनियन b भी आ गया अब इनका आपस में इंटरसेक्शन ले लेंगे a यूनियन b का इंटरसेक्शन a uh, a यूनियन b का इंटरसेक्शन a यूनियन c के साथ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये देखें पहले a यूनियन b की वैल्यू पुट की यह जो हमारे हमने निकाली थी उसका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ इन दोनों का जब आपस में इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास जवाब आ गया टू थ्री फोर टू थ्री फोर टू थ्री फोर यहाँ पे मौजूद हैं सिक्स एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सिक्स एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सिक्स एट नाइन टेन एलेवन टूल्व यहाँ पे भी मौजूद हैं तो ये हमारे इसके बाद जवाब आ गया यूनिवर्सल सेट हमने ड्रा कर लिया ए ये है बी ये है सी ये है बी और सी में कॉमन कौन से थे थ्री और नाइन ए और सी में सिक्स और ट्वेल्व। ए के बकिया हमारे पास बच रहे थे टू फोर एट टेन बी के बक, बाकी बच्चे थे फाइव सेवन और इलेवन और सी के था हमारे पास फिफ्टीन ठीक है शेयर करेंगे जवाब वाले को जवाब था टू थ्री फोर सिक्स एट टू थ्री फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व टेन एंड ट्वेल्व तो ये शेड हो जाएगा ये और ये फिगर टू आ गई थी फिगर टू आ गई हमारे पास तो हमारा ये फिगर ये देखें फिगर वन एंड फिगर टू बिल्कुल सेम है तो हमारा इससे प्रूव हो गया कि हमारा लेफ्ट हैंड हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारा प्रूव हो गया है फोर्थ हमें फोर्थ में कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओवर यूनियन ऑफ सेट्स ये देख लेते हैं अब इसमें क्या है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में वो हमें कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बी यूनियन सी लेना है उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ और ए इंटरसेक्शन बी लेना है उसका यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन लिख लिया है मैंने इसका लिख लिया है कि इसमें हमें क्या कहता है और ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी ये ए इंटरसेक्शन बी बी यूनियन सी बी यूनियन सी ब्रैकेट में है तो पहले बी यूनियन सी को सॉल्व uh, कर लेंगे बी और सी की वैल्यू लिख ली इधर दरम्यान में यूनियन का साइन डाल दिया इन दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास जवाब आ गया ये तो वन थ्री फाइव सिक्स नाइन सेवन वन थ्री फाइव सिक्स एंड आई थिंक सो Uh, जी सॉरी वन थ्री फाइव सिक्स ये कुछ नहीं है सेवन नाइन इलेवन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन ये देख सकते हैं इन दोनों में ये इन दोनों का यूनियन लेके हमारे पास जवाब आया ठीक है उसके बाद हमने बी यूनियन सी का ये जवाब आ गया इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ ए की वैल्यू पुट की और इसका जो जवाब आया था वो पुट किया इंटरसेक्शन का साइन डाला तो सिक्स और ट्वेल्व जवाब आ गया यूनिवर्सल सेट ड्रा कर लिया ए लिख दिया बी एंड सी बी सी में कॉमन थे थ्री नाइन ए सी में कॉमन थे सिक्स ट्वेल्व टू फोर ए टेन इसके बकिया बच रहे हैं वन सेवन फाइव एलेवन इसके और फिफ्टीन इसका सेम वही वन डाइग्राम चलती आ रही है बस शेड पे आपने और करना है तो यहाँ पे हमारे पास जो आप सिक्स ट्वेल्व आया है सिक्स ट्वेल्व को हम इस शेड कर देंगे ठीक है तो फिगर वन आ गया फिगर टू मिस टू से राइट हैंड साइड देख लेते हैं राइट हैंड साइड में हमारे पास वो क्या कहता है ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी यूनियन हमने लेना है ए इंटरसेक्शन सी तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे ए की वैल्यू पुट की बी की की इनका आपस में इंटरसेक्शन लिया तो एम टी सेट आ गया ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं तो ये देखें इनमें कोई भी कॉमन नहीं है और इनमें कॉमन सिक्स और ट्वेल्व है सिक्स यहाँ भी है ट्वेल्व है सिक्स यहाँ भी है और ट्वेल्व यहाँ भी है सिक्स ट्वेल्व ये आ गया तो अब ए इंटरसेक्शन बी आ गया ए इंटरसेक्शन सी आ गया इनका आपस में यूनियन ले लेंगे तो ये देखें ए इंटरसेक्शन ये देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी पहले ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पुट की जो थी हमारे पास एम सेट और ए इंटरसेक्शन सी की थी सिक्स एंड ट्वेल्व सिक्स एंड ट्वेल्व पुट कर दी इनका आपस में यूनियन लिया तो सिक्स एंड ट्वेल्व आ जाएगा हमारे पास जो तो अब यूनिवर्सल सेट जो कर लिया यहाँ पे ए बी एंड सी लिख दिया ए और सी में कॉमन सिक्स ट्वेल्व थे बी और सी में कॉमन थ्री नाइन थे इसके वन फाइव सेवन एलेवन बच गए इसके टू फोर एट टेन बच गए एंड इसके फिफ्टीन बच गए तो जो आपको हमने शेड करना था जवाब हमारे पास यहाँ पे आया सिक्स ट्वेल्व सिक्स ट्वेल्व को शेड किया तो इस तरह से हमारी ये और ये बिल्कुल सेम आ गई फिगर वन एंड फिगर टू तो हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और ये हमने प्रूफ कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स तो हमने इस तरह से ये वाली वैल्यू लेके इन चारों को प्रूफ कर दिया है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये बी की वैल्यू लेके इन चारों को प्रूफ करेंगे इसका मैं आपको एक बारी फुल व्यू दिखा देता हूँ uh, ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमने शुरू किया था तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ आ गई होगी अगर कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कीजिएगा अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या वो चैनल पे नया है तो फ़ोन से जाके सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो का उसे जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए अगर आपको कहीं पे भी कहीं पे भी इशू है तो आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछें मैं आपको बता दूँ शुक्रिया